नमस्कार, मैं हूं आतुर। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मोबाइल इस कदर आदत बनता जा रहा है बच्चों के लिए जो बेहद खतरनाक है। आजकल की जिंदगी में बड़े बुजुर्गों, नौजवानों से लेकर छोटे बच्चों तक के लिए मोबाइल बहुत जरूरी हो गया। इस कदर की आदत बन गई है कि लोगों का सबसे ज्यादा समय मोबाइल पर ही बीतता है। लेकिन बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ऐसा ही एक मामला गुरदासपुर से सामने आया है, जहां पर एक 3 वर्षीय बच्चे के साथ एक ऐसी घटना हो जाती है, मोबाइल के साथ वो खेल रही होती है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें, उसके बाद बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। आपको बता दें कि 3 वर्षीय बच्ची मोबाइल के साथ खेल रही थी और अचानक मोबाइल फटने से वह जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत खतरे में बताई जा रही है। आपको बता दें कि बच्ची के पिता का कहना था कि बच्ची घर के आंगन में मोबाइल फोन पर वीडियो देख रही थी और इस दौरान अचानक मोबाइल फोन में धमाका हुआ। इसके कारण बच्चे की जांघें झुलस गईं। धमाके के कारण चारपाई पर बिछाई गई चादर भी थोड़ी जल गई। उन्होंने तुरंत बच्ची को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचाया। वहां पर उसका इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जान जो है वो खतरे से खाली नहीं बताई जा रही। अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर राजन ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। फोन चलाउन डे ही वेले बह के गुड़िया मंजे ते बह के तो वो हाथ च ही पाड़ गया तो अग लग गई तो नाल ही मंजा सड़ गया, नाल ही कपड़े सड़ गए, सारे घर च धुआं ही धुआं हो गया। ये 10:30 की गल है सवेर की। हाँ जी, अज की 3 साल की। नहीं, अगे भी चलाउंदी सी पर ओदा खेडन डे दी तो इन्होंने खेडन दे तो फड़ा दिता, पर चल हुण भी खेडे लग जाए। जिस तरह बच्चे अगे भी तो आम चलाउंदे ही है, हर बच्चा चलाउंदा है, तो इस तरह ही इन्हू फड़ा दिता भी किहड़ा अज नवा फड़िया ही, अगे भी फड़दी ही। तो वह चलाते चलाते कपड़िया समेत ही अग लग गई, धुआं निकल गया तो बैटरी जिहड़ी उह नहीं नहीं चुक के लिया, फिर भी ला ले उन्हें घर कपड़े कुपड़े लाते तो इतने लै आता तो एमरजेंसी दाखिल कराता। डॉक्टर हूँ इलाज कर सुनील जी। बच्चा हरदो बथवाले का जी। यदि उम्र 3 साल है जी। घटना जी मोबाइल फोन चलाती भी ही तो वह ब्लास्ट हो गया। ये सवेर की गल 10:30 फोन वीवो का फोन है। हाँ जी, हस्पताल फिर जल्दबाजी के मोटरसाइकिल तो लैके आए। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हालात बच्चे का, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल लिया बच्चे। डॉक्टर इलाज करते पे। हाँ जी, इन्होंने सवेरे 11:30 तक। बच्चा मेरे छोटे भरा की बेटी है। पेरेंट्स ने मोबाइल दिता, मोबाइल की बैटरी फट गई, नीचे लोअर एब्डोमन एंड पेरिनियल रीजन जिहड़ा वा जिहनूं आपां थाइज कह दें नीचे, वो सारा बर्न हो गया। फस्ट डिग्री बर्न के नाल उन्होंने एडमिट किया वा, अपना फस्ट एड उन्होंने दे दी गई है। पेशेंट हूँ स्टेबल कंडीशन च है, बट अजे भी आप अंडर ऑबजरवेशन रखा हुआ है। विदिन 24 आवर्स वह अगे पता लगेगा विद इनवैसटीगेशन के नाल। फिलहाल जी पेशेंट स्टेबल कंडीशन च है।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਲੱਕੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, SMZ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ।